हम धोखे में थे कि हम अर्थ को बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि अगर इंसान अपनी टांग ना अड़ाए तो अर्थ खुद को बहुत तेजी से हील करती है। हम धोखे में थे कि हम जंक फूड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सारे जंक फूड रेस्टोरेंट्स बंद थे और दुनिया तब भी चल रही थी। हम धोखे में थे कि हम घर से काम नहीं कर सकते। हम धोखे में थे कि हमारी मीडिया बहुत समझदार है। हम धोखे में थे कि हमारे क्रिकेट स्टार्स, हमारे फिल्म स्टार्स असली हीरो हैं। पता चला कि ये तो बस एंटरटेनर्स हैं। हम धोखे में थे कि यूरोप के लोग बहुत समझदार और एजुकेटेड होते हैं। हम धोखे में थे कि कोई ज्योतिष, कोई मौलवी, कोई पंडित, कोई प्रेस्ट किसी बीमार इंसान की जान बचा सकता है। हम धोखे में थे कि तेल बहुत कीमती चीज़ है। अब हमें पता चला कि हमारे बिना तेल की कोई कीमत नहीं है। हम चिड़ियाघर के जानवरों को देखकर खुश होते थे। जब हम पिंजरे में बंद हुए तब पता चला कि उन जानवरों को कैसा लगता होगा। हम धोखे में थे कि शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाएंगे तो दुनिया रुक जाएगी। शॉपिंग मॉल्स तो बंद थे लेकिन दुनिया तब भी चल रही थी। ब्रांड्स नहीं थे, दुनिया तब भी चल रही थी। हम छुट्टियां मनाने बाहर नहीं जा रहे थे, दुनिया तब भी चल रही थी। हम देर रात तक चाय की होटल्स पर बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे और दुनिया तब भी चल रही थी। जो फर्क पड़ा है वो नकली जिंदगी को फर्क पड़ा है, आर्टिफिशियल लाइफ को फर्क पड़ा है, असली जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिजूल खर्ची बंद हो गई है, आप अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हो, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, फूल अब भी खिल रहे हैं, नदियां अब भी बह रही हैं, बल्कि पहले से ज्यादा साफ होकर बह रही हैं, गाय अब भी दूध दे रही है, मुर्गियां अब भी अंडे दे रही हैं, खेतों में सब्जियां अब भी उग रही हैं और आपके घरों तक ये सब चीजें पहुंच रही हैं। हमें पता चल गया कि हम धोखे में थे।